नमस्ते, मैं हूं अपर्णा। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। एशियन रिले चैंपियनशिप, भारतीय पुरुष और महिला 4x400 मीटर टीमों को रजत पदक। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाएंगे धूमधाम से, ओलंपिक डे रन सहित कार्यक्रम आयोजित किया है केरल ओलंपिक एसोसिएशन। ज्योति याराजी ने की राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी, फिनलैंड एथलेटिक्स मीट में पेरिस 2024 ओलंपिक क्वालिफाइंग मार्क पार करने में 0.01 सेकंड से चूक गई। सात्विक चिराग की भारतीय बैडमिंटन युगल जोड़ी ने BW रैंकिंग में फिर से हासिल किया पहला स्थान। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय पुरुष टीम 4x400 रिले में श्रीलंका से मामूली अंतर से हार गई, जबकि महिला टीम को वियतनामी टीम के राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की वजह से हार मिली। भारतीय पुरुष और महिला 4x400 मीटर टीमों ने मंगलवार को थाईलैंड के बैंकॉक में एशियन रिले चैंपियनशिप में 2 रजत पदक अपने नाम किए। मोहम्मद अनस याहिया, टी संतोष कुमार, मिजो जाको कुरियन और आरोग्या राजीव की पुरुष रिले चौकड़ी ने बैंकॉक में भारी बारिश के बावजूद 3:05.76 सेकेंड का समय निकाला, लेकिन मुकाबले में भारत श्रीलंका टीम से पीछे रहा। इस बीच महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस में भारत की चुनौती विद्या रामराज, MR पुवम्मा, रूपल और प्राची चौधरी के कंधों पर थी। चारों एथलीटों ने अपनी रेस को 3:33.55 सेकंड में पूरा किया, लेकिन वियतनामी टीम उनसे आगे निकल गई, जिसने 3:30.81 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला दोनों 4x400 मीटर रिले टीमों ने इस महीने की शुरुआत में बहामास में विश्व रिले 24 में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को सुबह 9:30 मानवियम से केरल ओलंपिक एसोसिएशन के नेतृत्व में ओलंपिक डे रन आयोजित किया है। मंत्री, विधायक, ओलंपियन, अर्जुन पुरस्कार विजेता, प्रसिद्ध खेल सितारे और खेल आयोजकों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 25,000 लोग इस ओलंपिक दिवस रैली में भाग लेंगे। मानवियम से शुरू होने वाली ओलंपिक डे रन का समापन सेंट्रल स्टेडियम में होंगे। जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 5,000 से 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद में है केरल ओलंपिक एसोसिएशन। केरल ओलंपिक एसोसिएशन ने 17 जून से 23 जून तक सभी 14 जिलों में एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया है। समारोह का समापन 23 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर भव्य सभा के साथ होगा। केरल के सभी जिलों में एसोसिएशन द्वारा ओलंपिक दिवस समारोह के हिस्से में केरल ओलंपिक की देखरेख में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, शराब, ड्रग्स और डोपिंग के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, पूर्व खिलाड़ियों का पुनर्मिलन सेमिनार, पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी और कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इस वर्ष चलो चले थीम पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की लेट्स मूव अवधारण का उद्देश्य आम जनता को दैनिक व्यायाम के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सशक्त बनाना है। आधुनिक ओलंपिक के निर्माण और 1894 में पेरे डी कुबर्टिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और उनके राष्ट्रीय खेल संगठनों और क्षेत्रीय ओलंपिक समितियों के तहत राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों द्वारा मनाया जाता है। सभी को खेल के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ओलंपिक दिवस 23 जून को रैली सहित विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। एशियन गेम्स की रजत पदक विजेता ज्योति याराजी ने फिनलैंड के हर्सून स्टेडियम में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए मोटोनेक GP यवास्किला एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा जीती। तेजस श्राइस ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मोहम्मद अफसल ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ जीती,
जबकि अनिमेश कुजूर पुरुषों की 100 मीटर में दूसरे स्थान पर रहे। भले ही याराची राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल रही, लेकिन वो पेरिस 2024 ओलंपिक क्वालिफाई मार्क को पार करने में 0.01 सेकेंड से चूक गई। वो पिछले साल चेंगदू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी इसी अंदर से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई मार्क को पार करने से चूक गई थी। पिछले महीने नीदरलैंड में एक एथलेटिक्स मीट में याराची ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क से 1 सेकेंड के 10वें हिस्से से चूक गई थी। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन अवधि इस साल 3 जून को समाप्त होगी। इस बीच तेजस राइस ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में 13.41 सेकेंड का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। फिनलैंड में मोहम्मद अफसल भी विजेता रहे। उन्होंने 1:48.91 सेकेंड के समय के साथ पुरुषों का 800 मीटर खिताब अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन के फाइनल में भारतीय शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंगरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चेन बो यांग और लियु ली की चीन की जोड़ी को हराकर खिताब जीत लिया। दोनों ने जीत से बैडमिंटन विश्व रैंकिंग के शीर्ष स्थान को एक बार फिर हासिल कर लिया है। सात्विक साईराज रंगरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बैडमिंटन की नवीनतम रैंकिंग में बड़ा फायदा पहुंचा। सात्विक चिराग की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में जीत के बाद पुरुष डबल्स वर्ग में विश्व रैंक में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के दूसरे दौर में हार के बाद भारतीय जोड़ी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। इसके बाद सात्विक की चोट के कारण इस जोड़ी ने चीन में एशिया चैंपियनशिप में वॉकओवर दे दिया था। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में जोरदार वापसी करते हुए चीन की चेन बो यांग और लियु यी पर सीधे गेम में जीत के साथ सत्र का अपना दूसरा खिताब जीता था। ये जोड़ी BW की नवीनतम रैंकिंग में 99,670 अंकों के साथ 2 पायदान चढ़कर 5 सप्ताह के बाद फिर से शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। 23 से 26 मई और 28 से 31 मई तक आयोजित 9वीं केरल हॉकी जूनियर स्टेट चैंपियनशिप और 9वीं केरल हॉकी सीनियर स्टेट चैंपियनशिप पूरे केरल में हो रहे भारी बारिश के कारण स्थगित किया है। चैंपियनशिप के नई तारीखें भी घोषणा की है। 9वीं केरल हॉकी जूनियर स्टेट चैंपियनशिप 1 से 4 अगस्त तक पालक्काड में होंगे और सीनियर स्टेट चैंपियनशिप 28 से 31 अगस्त तक कोल्लम में होंगे। एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारतीय मिश्रित 4x400 मीटर टीम ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्रीदांडी, अमोल जेकब और शुभा वेंकटेशन की चौकड़ी ने 3:14.12 सेकेंड का समय लेकर बैंकॉक मीट में पहला स्थान हासिल किया। रिकॉर्ड तोड़ने के प्रयास के बावजूद भारत अभी भी मिश्रित 4x400 मीटर स्पर्धा में पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा के लिए दावेदारी में नहीं है। और भी ताजा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए अलविदा।